Hello dear student, good morning. Super bad. सभी को है, इसलिए मेरा ब्रांच, मेरा चैनल का नाम है All in One Solution Center, जिसमें आपको सभी प्रकार के सॉल्यूशन मिलेंगे मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है? तो आज देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री. बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया मेरे पास कि सर एक ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाइए जिसमें आप उसको बेसिक से लेकर के हाई तक सिखाइए. चलो ठीक है, मेरा प्रयास आपका सफलता. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक आपको ट्रिग्नोमेट्री. क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री. देखिए एक नए अंदाज में आपको पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री कैसे सीखना है, क्या ट्रिग्नोमेट्री होता है, क्यों ट्रिग्नोमेट्री होता है, कहाँ पे यूज करते हैं, जिंदगी में कैसे जरूरत है, कैसे जिंदगी में काम आएगा, जिंदगी में जरूरत है कि नहीं है, सब चीज पता चलेगा. ठीक है, पढ़ाई लिखाई एक बड़ा अजब चीज है, बच्चा की पता ही नहीं रहता है कि इसका यूज क्या है. बहुत सारा बच्चा का ये कंप्लेन आता है कि सर ये बताइए कि आखिर हम लोग जो है कि पढ़ते हैं लेकिन हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इसको कहाँ पे यूज हम लोग करते हैं यही पता नहीं है बहुत सारे बच्चा को. लेकिन हम आपको बताएंगे कि आज कहाँ यूज होगा. ठीक है, यूज है, थोड़ा सा दूर से सोचिए, थोड़ा सा अंदर से सोचिए, थोड़ा मन से सोचिए. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे यूज है. ठीक है, देखो त्रिकोणमिति को बताने वाला ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति. देखिए पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि फुली इंग्लिश में डिफिनेशन वर्ड लिखवा दिया था, तो बहुत सारे बच्चा का डिमांड हुआ कि सर उसको हिंदी में बताइए. त्रिकोणमिति आपको हिंदी नाम है और ट्रिग्नोमेट्री इसका इंग्लिश नाम है. चलिए, इसका जो फादर है, देखो फादर तो पता है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो लॉन्च किया था कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर क्यों जरूरत है, उनको ट्रिग्नोमेट्री को कैसे पढ़ना है, ये सबको बताने वाले आर्यभट्ट थे. कौन था? आर्यभट्ट. चलिए, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आर्यभट्ट है. मम्मी मत पूछना जी, मम्मी का पता नहीं अभी तक है. ठीक है, इसे आगे समझता है, आगे देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और भी चीज ये क्या होता है. आर्यभट्ट है. चलो, इससे पहले हम लोग कुछ जानकारी रखते भी हैं, अब है भी आप लोगों के पास. जैसे देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज, ट्रिग्नोमेट्री एक क्या किया था, आर्यभट्ट बोला कि इसका यूज अगर करना है आपको, पढ़ना है, तो पहला नंबर कि आपको त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का जानकारी होना चाहिए. ठीक है, किसका जानकारी होना चाहिए? ट्रायंगल का जानकारी आपको होना चाहिए. तो देखो बाबू, एक ट्रायंगल होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति. क्या बोला जाता है? त्रिभुज बोला जाता है, सॉरी त्रिभुज बोला जाता है इसको. तो त्रिभुज आपको जानकारी होना चाहिए. देखिए त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल जो होता है इसको दो तरीका से बांटा गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब कि अगर कोई भुजा, भुजा के आधार पर, और एक बटा गया उसका एंगल के आधार पर. ठीक है, ये आपको छह प्रकार का मुख्यतः होता है, इसके और भी आगे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें आपको जानकारी होना चाहिए कि जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसमें आपको आर्यभट्ट जी का कहना था कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको पास एक ट्रायंगल होना चाहिए, बिना ट्रायंगल का काम कुछ नहीं चलेगा. तो ट्रायंगल में देखो क्या होता है, सो ट्रायंगल में जो होता है भुजा यानी कि साइड तीन होता है, एंगल जो होता है यानी कि कोण, कोण भी तीन होता है यानी कि छह चीज होता है. ये छह चीज के अनुसार इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना तो है. ऐसे देखिए बहुत सारे लोग बताए हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, बहुत सारे चीज बताए हैं, जैसे आप लोग थेल्स थ्योरम पढ़े हो, देखो कैसे कैसे आया है, थोड़ा मूड बने तो बताते हैं कैसे आता है. देखो तो थेल्स चीज है, थेल्स थेल्स जी बोले कि अगर कोई ट्रायंगल है
एक थ्योरम बोला था, बोले थे कि एक ट्रायंगल है, तो बोले कि ट्रायंगल में तीन साइड होता है, ठीक है, अगर एक साइड गलती से दो साइड को कट कर दे, दो साइड को कट कर दे, तो कट कर देगा तो कंडीशन बोला कि अगर मान लीजिए कि ए बी सी तीन है और मान लीजिए डी है और ए ई है, अगर डी ई लाइन जो है तो बी सी का अगर पैरेलल होता है, ठीक है, बी सी का अगर डी ई पैरेलल होता है तो थेल्स का कहना था कि इन लोग का रेशियो जो होगा एकदम बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा भाई, तो देखो मान लो एल है एम है, कट किया था तो ए एल बाई ये हो जाएगा पी एल, अब इक्वल टू हो जाएगा ए एम बाई सी एम, किसका कहना था, थेल्स का कहना था ये, चलो तो थेल्स का के निकल गया, अब निकलने गया बहुत बड़ा काम है। देखो ट्रायंगल्स जितना भी हम लोग ज्योमेट्री सेक्शन पढ़ते हैं, ज्योमेट्री सेक्शन जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें ज्यामिति है, जिसका नाम है ज्यामिति हिंदी में, ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन जितना हम लोग पढ़ते हैं उसमें आपको कोई समझ नहीं आ रहा होगा, आप लोग सोचते हैं फिगर देखते हैं फिगर बना लेते हैं, फिगर से पता नहीं क्या कैसे होता है, लेकिन देखो आज बता रहे हैं कि क्या कैसे होता है, ठीक है, जब कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसमें बहुत सारा डिजाइन बनाया जाता है, तो डिजाइन बनाया था देखो कि सब जगह डिजाइन बराबर बराबर होता है, अगर छोटे को ट्रायंगल बना उसमें तो बड़े को भी ट्रायंगल लेंगे तो लाइक बराबर है, मतलब सिमिलरिटी होगा, समरूपता होगा उसमें, ठीक है। तो यही चीज को बताने के लिए थेल्स ने वो दिमाग लगाया कि अगर हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर हम लोग को इस तरीका से कट करना है ताकि सभी जगह क्या होना चाहिए, बराबर बराबर लगे, मतलब ई लाइन इसके बराबर होना चाहिए। बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग मान लो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है, चतुर्भुज बनाया जाता है, त्रिभुज बनाया जाता है, ट्रायंगल बनाया जाता है, तो सब में देखो कि एक तरीका का डिजाइन से बन जाता है, ठीक है। तो बात ऐसा है कि इस थ्योरी को जरूर हम लोग जानते हैं लेकिन यूज नहीं जानते हैं, तो यूज को जानने के लिए कुछ जानना पड़ेगा। जैसे थेल्स बताया कि अगर एगो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर ये तीसरा भुजा के समानांतर है तो श्योर है कि इसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये देखो काम आता होगा, जैसे मान लो मंदिर बन रहा है, गुरुद्वारा बन रहा है, तो उस जगह इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर दिमाग लगाता है कि अगर हमको इस एंगल पे थीटा एंगल पे इसको रखना है तो इसको भी थीटा एंगल पे रखना होगा, तब जाकर कि आइसोसेलेस्ट एंगल बनेगा। लेकिन एक और बात खोला होगा कि अगर मान लो इसका हाइट मान लो कुछ भी हो, बीच में इसको कट किया, अब बोला कैसा बनाइए कि ट्रायंगल, मान लो कि तिरछा बना दिया, देखो टेढ़ा है, टेढ़ा तो है, तो आप लोग बोले कि सर कैसे होगा, तो होगा सब होगा, या फेल्स आएगा, फेल्स बताया इंजीनियर के इधर आओ हम बता रहे तुमको, कैसे बता रहा, देखो बोला कि अगर इसको तुम बीच में कट किया कहीं पे भी कट करो तो अगर जितना इसका रेशियो आ रहा है अनुपात आ रहा है उतना ही रेशियो में इसको भी कट करोगे ना बाबू, तो ये वाला इसका पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल। देखो अभी दोनों बराबर लग रहा है, इसका समानुपात भाई इसका 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 बराबर लग रहा है। तो थेल्स ने ये चीज बोला था, थेल्स जो दिया था कि रेशियो थ्योरम में बताया था। देखो आप बोल रहे हो कि त्रिकोणमिति में आर्यभट्ट जी को ला ही दिए, फिर क्या ला दिए, थेल्स को काहे ला दिए, तो काहे ला दिए, वो कंडीशन है। देखो हम लोग जानेंगे कि मेरा विरासत में का दिया, तब हम लोग फ्यूचर में भी सोचेंगे। तो विरासत में देने वाला है वो थेल्स जी आकर के बताया था कि रेशियो थ्योरम जो होगा जिंदगी में बड़ी काम आएगा, जो कि काम आता है हम लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप भी बनिएगा ना, इंजीनियर बनिएगा, कंस्ट्रक्शन करवाइएगा कोई बड़ा बड़ा चीज़ का, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ थेल्स बाबा बढ़िया चीज़ बताए थे, तो थेल्स बाबा बढ़िया बताए थे। चलो इतना चीज तो ये ट्रायंगल के बारे में निकल गए कह करके, लेकिन इसके बाद भी एगो कोई और आया जिसका नाम है, आप लोग बहुत अच्छा से उसको जानते हैं, जिसके बारे में जानते हैं वो बहुत अच्छा से जानते हैं, जिनका नाम जब इन लोगों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए हैं ताकि रिलेशन बना रहे इन लोगों में, तब पता चलेगा कि आगे पीछे भी कुछ हुआ था, कुछ कहानी होगा कैसे कैसे, ठीक है। ये तीन को बुझा और तीन को कौन तो पता चल रहा है। देखो एक नाम सुना होगा आपने, बहुत पॉपुलर थ्योरम है वो, थ्योरम का नाम है PGT पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है उसका, देखो जी PGT, ठीक है, नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हिंदी में इसका नाम वही चीज होता है जो पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है, ठीक है। देखो ये बोला था पाइथागोरस
पाइथागोरस से बाएं खाते वो बात बताएं क्या बोला देखो थेल से वो तो चीज बोला था कि मेरे में वैसा कोई कंडीशन नहीं है कि तुम राइट एंगल ट्रायंगल रखोगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल रखोगे मतलब समकोण त्रिभुज रखोगे समद्विबाहु रखोगे या विषमबाहु रखोगे किसी को भी रखो बस जानकारी है दिया था कि अगर दो लाइन पैर लगा तो बी सी और ए की दोनों का आवा कट होगा जैसे कि मान दो को बाई के बीच में बंटवारा करना अगर ट्रायंगल जमीन है त्रिकोण मिति ये जमीन है उसके पास अगर बांटना है तो बोला कि नहीं हमको तुम आधा दो तो हमको आधा दो तो बताओ कि अगर मान लो कि पांच भुजा इधर रखा इधर भी पांच रखा दस था और इधर मान लो ना कि 20 था टोटल तो क्या कहेगा कि 10 ही बांट लो 10 तुम भी बांट लो बाबू तो देखो बराबर होगा बस यही होगा कि लगेगा तुमको कि हमारा छोट बड़ है लेकिन एरिया दोनों का क्या होगा बराबर होगा बाबू तो देखो बढ़िया थ्योरम बताया था ना दो भाई के बंटवारा का क्या किया चलो सुलझा दिया ना थे थ्योरम को सुलझा दिया थे बोला कि अगर ऐसा जमीन है बाबू तो दोनों बंटवारा कर लो लड़ाई मत करना ठीक है अगर तीन गो के बीच में होगा तब होगा चार के बीच में होगा तब हो जाएगा ती बताने वाला कौन था थेल्स थ्योरम मैंने बहुत बड़ा है घरेलू मामला को समझ रहे हो कि एक के बारे में सुलझा दिया थेल्स ये तो थेल्स समझा दिया लेकिन एक और बात आया पाइथागोरस आया घोसा घोसी में उधर से तो बोला थेल्स तो अगर बना दिया तो हम एगो दिखा दे रहे तुमको का दिखाया पाइथागोरस बोला कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है क्या बोल रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज बताया वो बोला कि एक बबुआ बेस होता है एक परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर और एक बोला कि हाइपोटेनस होता है क्या होता है जी हाइपोटेनस जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आभार ठीक है अब इसको बोलते हैं लंब लंब चलो कर दिया जम ये बोलता क्या है देखो पाइथागोरस बोला किसको चुनौती दिया थेल्स को बोला कि अगर तुम एक स्टेटमेंट दिया कि वो हम स्टेटमेंट देते हैं तो पूरा क्या होगा पूरा यूनिवर्सल प्रूफ होगा ठीक है देखो प्रहार इतना है ट्रिग्नोमेट्री लेकिन रिलेशन समझा रहे हैं कि इसका जरूरत क्यों पड़ गया था इन लोग के बाद इसका भी जरूरत हम बताएंगे चलो देखो आगे ये बोला थेल्स थ्योरम कर्ण का स्क्वायर देखो बड़का भाई है हमेशा कर्ण जो होता है हाइपोटेन्यूस जो होता है राइट एंगल के सामने होता है ये बहुत काम आ गया इसे देखना भी ठीक है ये बोला था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ये दोनों छोटका जो उतरिए ना इन दोनों को ऐड कर दो उसके बराबर हो जाएगा ठीक है ये बोला था कि ऐसा बात बोला था चलो पाइथागोरस ट्रायंगल के बारे में वो बोल के चला गया थेल्स भी बोल के चला गया अब एक बात बड़ा कंडीशन आ गया ये बगल में होगा नहीं सुन लिया कि ये दोनों भाई लोग बड़ा काली बन रहा है तब ये आया कि तुम लोग तो इतना ही में रह रहे हो ना रुको तुम लोग सब के हम समेट देते हैं ये बोलिए तो समेटने वाला कौन आया आर्यभट्ट मैथमेटिशियन आ गए आर्यभट्ट आर्यभट्ट जो आए तो देखिए क्या करने वाले कमाल करके दिखाएंगे ये क्या है दो चीज को अच्छा खासा रेशियो में जैसे भी डिवाइड करना है बताने वाला कौन है थेल्स थ्योरम है ज्योमेट्री सेक्शन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत सुविधाजनक बहुत इजी तरीका से आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे इसको प्रूफ किया जाता है कैसे यूज किया जाता है किसी भी ट्रायंगल को आप देख करके किसे बता दोगे कि है या नहीं है थेल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये रेशियो होगा कि नहीं होगा हाइपोटेन्यूस के बारे में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको तो बहुत अच्छा जानते ही है कि ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है राइट एंगल ट्रायंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में काम करता है समकोण त्रिभुज में ही बोला था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है इन लोग दोनों का स्क्वायर मतलब कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है चलो इतना तो समझ में आ गया हम लोग को यहाँ तक पहुँचना है इसलिए इन लोग ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं ठीक है देखो अब कौन आ रहा है बैंड बजाने आने वाला है आर्यभट्ट आर्यभट्ट का कहानी अब सुनो क्या बोलता है आर्यभट्ट बोला कि देखो भाई लोग मिलो ज्यादा होशियार तो मत बनो एक चीज हम बताएंगे ऐसा ना कि बड़ी काम आता है जिंदगी में ठीक है देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका ज्यादा आप लोगों को पता नहीं चलता है क्या कि इसमें कहाँ यूज है लेकिन जब आप पढ़ेंगे कहाँ पर पढ़ेंगे जब हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी यानी कि अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज ठीक है यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मैंने उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है तब ज्यादा समझ में आएगा लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ समझ में आता है ट्रायंगल में कुछ भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ भी बनाते हैं तो वहाँ एंगल और साइड में कोण और भुजा के आधार से रिलेटेड जितना भी काम आता है ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे काम आता है तो
आर्यभट्ट बहुत अच्छे चीज से बताए थे, उन्होंने को चुनौती दी है। बोला कि देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, सब बता रहा है। ट्रिग्नोमेट्री बोलता है ये कि इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। कहता क्या है देखो, हिंदी में इसको बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये बोलता है कि मैथमेटिक्स का वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज के भुजा तथा एंगल के बीच के कोण को, अरे एंगल के बीच के संबंध को दर्शाता है, उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन दिया तो जरूर, ठीक है, दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आपको इसमें बोला कि इसका यूज हम लोग कैसे करें, देखते हो कि आपके घर में सीढ़ी बनता है, सीढ़ी बनाने देखो घर में अगर घर बन रहा है तो अगर मिस्त्री आपको गुड़बक बना था सीधा सीधा जान लो कि अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसके बारे में जानकारी रखो तो तुमको गुड़बक नहीं बनाएगा कि कितना बड़ा रॉड चाहिए, कितना उसको बेस रखा है, कितना आधार होगा, कितना लॉन्ग होगा, ये चीज़ जान लेना। तब इसने बोला था आर्यभट्ट जी बोले कि चलो अच्छी बात है, किसके किसके बीच में बता रहा है, ये बताने वाले हैं साइड और एंगल के बीच के रिलेशन का स्टडी करवाते हैं। चलो स्टडी तो करा दिए हैं लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मतलब कि उसका मीनिंग क्या है। तो देखो बोले थे जो चीज़ बोले हैं वही चीज़ बताएंगे। ट्राई मतलब होता है थ्री मतलब समझ ही रहे होते हैं मतलब। चलो गोन बुझाता है गोन, ठीक है, गोन मतलब होता है साइड और मेट्रो मतलब होता है, ठीक है, मेजर यानी कि माप करना, ठीक है। तीन चीजें थोड़ा सा देख लो, अगर आपको लगता है कि हमको इसको लेना चाहिए क्या चीज, स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, ठीक है। मेट्रोन मतलब होता है मेजर करना, यानी कि इनका कहना था कि एक ट्रायंगल होता है उसमें दूसरे का साइड होता है, एंगल भी होता है, उसका मेजरमेंट होता है। इन लोग तीनों के बारे में पढ़ना ही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। चलो ट्रिग्नोमेट्री तो कहला जाएगा। अब इनका कहना था कि ट्रिग्नोमेट्री में एक मुख्य चीज होता है, देखो इसको स्टार्ट ही करते हैं टेंथ क्लास से, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही हुआ है टेंथ क्लास से, टेंथ क्लास स्टार्ट हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे IAS CBSE MSC जो भी पढ़ेंगे, अगर मैथ से पढ़ते जा रहे हैं तो आपको बहुत जगह नहीं छोड़ेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री छोड़ में नहीं करेगा, ऐसा चीज ही है। तो देखो तीन चीज के बारे में तो पढ़ते हैं, इस सबसे ज्यादा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, कैसे पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। Is in right angle triangle। चलो इसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी तक जो भी पढ़े हम लोग जिस लेवल से भी हमको स्टार्ट किए हैं वहां से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में से, ठीक। अब इसको इधर छोड़ते हैं, इसके बाद बताते हैं कि आखिर क्या बात है। देखो चुनौती कितना बढ़ जाती है, आ रहा है दोनों का दौर लिया होगा इससे। अब बोला बगीचा से कर लेता है, हम बता रहे हैं बढ़िया चीज, देखो बढ़िया चीज बता दिए अभी तो बोला जरूर, तब देखो क्या बोलता है आगे। अभी बोलता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, बच्चा को इंटरेस्ट आना चाहिए कि इसका यूज कहाँ होता है। तो देखो मान लो आपके घर का ही दीवार है, इंच का फर्श है, सीढ़ी चढ़ रहा है आपके घर में ऐसे, चलो सीढ़ी चढ़ते हैं। अब देखो सीढ़ी ज्यादा हाइट है कि कम हाइट है ये तो जानकारी आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग एंगल बनाना जानते हैं,
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब तो आप लोग जानते हैं बनाना। तो उसी के हिसाब से देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो है। अब बोलिएगा आप कि सर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस नहीं काम कर जाता, मुंह हुआ तरीका के बनवे करेगा, तो ऐसा बात नहीं है बाबू। वो तो बोला था कि अगर साइड का लेंथ रहेगा तो, लेकिन क्या है साइड का लेंथ नहीं है कि बोलेगा कि लेंथ नहीं दिए है बाबू एंगल दे दिए, तो कैसे बनाएगा बता दो, मुंह हुआ तरीका होगा दूसरा तरीका हो जाएगा। समय आ क्या बोला मतलब बोला कि पीजीटी लगा दीजिए ना सर, पीजीटी लगा दीजिएगा ना, तो इसका लंबे या इसका लंबे इसका तीनों का पता चल जाएगा। लेकिन मिस्त्री बोला कि ना 45 डिग्री पर झुकाना है, इसका लंबाई कुछ और है, अब इसका कुछ और लंबाई होगा तो बताओ कि कैसे बनेगा, तब तो लड़का बड़ा गड़बड़ा जाएगा। तब देखो ट्रिग्नोमेट्री का काम करेगा कैसे करेगा, इसके लिए थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं डिटेल्स में, इसका जानकारी हो गया। और भी बहुत सारा चीज बनाया जाता है ऐसा, एंगल से रिलेटेड, साइड से रिलेटेड बहुत सारा बनाया जाता है, तो उसी के हिसाब से बनाया गया है चैप्टर। जो आप बनाएंगे कभी भी कहीं भी देखेंगे ऐसे तिरछा बन रहा है, उसमें लंबाई दे दिया है, एंगल दे दिया है, तब कैसे बनाएंगे, ऊंचाई दिया है तब कितना ऊंचाई चाहिए, कितना इसका मान लो आधार कितना चाहिए, इसका कर्ण कितना चाहिए, कितना एंगल इसको झुकाएंगे कितना अच्छा होगा कितना खराब होगा, मिस्त्री अगर बढ़िया मिल गया तो आपको खराब कर देगा, तो समझ रहे ना बुर्बक बना देगा। एक जानकारी आपको होना चाहिए, इंजीनियर बनोगे बोलेगा कि सीढ़ी बाबू तुम उठा देना 30 डिग्री पर, अब तू गया तो उसको उठा दिया 90 डिग्री पर, चढ़े पाएगा जी काम गड़बड़ हो जाएगा, वो मालिक आएगा तो गर्दा बढ़ा देगा तुमको पीठ पाट के, कहेगा कि इंजीनियर है कि तुम कहा जी बुर्बक है कहा जी, ठीक है कहे कि डिग्री खरीद के बन गया था तुम। तो देखो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है टॉपिक का नाम फिर से लिख रहे हैं जानबूझकर के, ताकि कोई बच्चा को कंफ्यूजन ना हो जाए। देखो बाबू ट्रिग्नोमेट्री में क्या करता है सर, ट्रिग्नोमेट्री में देखो बड़ी तुम लोग शादी ब्याह हो गया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आर्यभट्ट वाला के 6 फंक्शन रहेगा, कई फंक्शन रहेगा 6 गो, लेकिन तुम लोग तो 6 नहीं 6000 फंक्शन जानता है, कैसे कैसे जानता है देखो कैसे कैसे जानता है बता रहा हूँ, शादी वाला मेला वाला फंक्शन जाने का, बर्थडे फंक्शन जाएगा, एनिवर्सरी का फंक्शन हो गया, कहूँ पार्टी मनाना है वो हो गया, ठीक है किसी मान लो नया कपड़ा खरीदा बच्चा तो पार्टी नहीं देगा ऐसे बोलता है ना, तो वो वाला पार्टी नहीं है, वो वाला फंक्शन नहीं है, पार्टी फंक्शन नहीं है। देखो 6 को फंक्शन देता है, कितना देता है कि मेनली जो होता है 6 फंक्शन देता है, मेनली 6 फंक्शन, इसमें हम लोग 6 फंक्शन से समझेंगे और 6 फंक्शन ही जाकर के बहुत सारे फंक्शन बना देंगे, ठीक है। जैसे कि आपके लाइफ का फंक्शन क्या है, देखो अगर आप बढ़िया से पढ़ लिख करके बढ़िया जगह स्थायी हो जाओगे तो एक फंक्शन अगर बढ़िया काम कर गया मतलब तुम बढ़िया जगह सेट हो गया तो तुम्हारा लाइफ में खाली फंक्शन है फंक्शन है, और गलती से अगर कोई फंक्शन एक एक नहीं हुआ तो आने वाला फंक्शन सब फेल कर जाएगा, सुना गया ना, तो इसलिए पहले एक फंक्शन बना लो कि पढ़ाई लिखाई करके बढ़िया से और बढ़िया जगह सेट हो जा, ताकि सब कोई तुम्हें मानेगा जानेगा इज्जत पानी सब करेगा, तुमको बड़ी वैल्यू देगा, कहो जाएगा ना तो तुमको मत कहो तुम्हारे पीछे आदमी लगा देगा, उसका सेवा करना। अगर नहीं बन लेना है वो फंक्शन तुम्हारा काम नहीं किया तो जिंदगी में कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, सुना गया। जैसे मोबाइल में, मोबाइल में अगर बैटरी नहीं है तो उसमें तुम मान लो लगा दो सिम लगा दो मेमोरी लगा दो और कुछ लगा दो कुछ काम करेगा जी नहीं करेगा, तो उसी तरीके से 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन में क्या क्या है बताते हैं आपको, क्या क्या नाम है से देखो, साइन का नाम सुने होगा बाबू, साइन इसके बगल में वो थीटा लगा है, देखो वो थीटा एक नया चीज आता है, थीटा जो होता है नया चीज आता है, तो थीटा जो होता है डिनोट करता है एंगल को, इट इज डिनोटेड एज एंगल, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम है थीटा, ठीक है थीटा है, किसको बताता है एंगल को बताता है, ठीक है। अब देखो एक चीज अब एंगल आ गया तो एक चीज और बता रहा हूँ, थीटा की जगह पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हो, दुनिया का कुछ भी चीज लिख लो थीटा की जगह पे रहेगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में जो पढ़ना है राइट एंगल हमेशा रहेगा याद रखना,
क्या रहेगा, राइट एंगल एक जरूर रहेगा, बिना राइट एंगल का काम उसका नहीं होगा। राइट माने सही, अब एंगल माने एक सही वाला एंगल होना चाहिए उसमें। तो याद रखना थीटा यहां मिल सकता है, यहां मिल सकता है, थीटा जब भी रहेगा इसमें तो क्या रहेगा बाबू, देखो त्रिकोणमिति में इट हैज वन राइट एंगल एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट। मतलब देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक समकोण त्रिभुज रहेगा, यानी कि समकोण रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, लिखे थे बाबू राइट एंगल, या तो 90 डिग्री इसको लिख लो, 90 डिग्री है, दो एक्यूट एंगल रहेगा, मैं नवीन कोण रहेगा, कौन रहेगा नवीन कोण रहेगा, नवीन कोण बेचारा देखो नवीन कोण बहुत नहीं होता है, जीरो से लेकर के 90 के बीच में रहेगा, नवीन कोण होगा और राइट एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, इतना तो समझ में आएगा, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे को भी समझ में आएगा और इंग्लिश वाले को भी बच्चे को आएगा। देखो धीरे धीरे इंग्लिश भी पढ़ो करो, ठीक है, डेफिनेशन आपको तो समझ में आ ही जाएगा, इसका डेफिनेशन नहीं लिखने के लिए आएगा आपको कि क्या होता है कैसे होता है, उसको मैं आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना कि कैसे समझना है। चलो देखो इतना चीज तो आपको बता दिया, एक्यूट एंगल रहेगा, एक इसका एब्रीविएशन नेम होता है, एब्रीविएशन, ठीक है, एक इसका एब्रीविएशन नाम होता है, बड़ा काम आएगा, एक जगह काम आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब एनसीईआरटी का बनाओगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है ट्रू फॉल्स, ठीक है, 8.1 में उसमें काम आ गया, एक जगह दिया हुआ है, जब हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे एक लाइन में तो एक लाइन से आपको समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन से समझाएंगे, अगर समझाएंगे ऐसे ना कि देखो पढ़ते पढ़ते तुम टीचर बन जाएगा, स्टूडेंट नहीं रहेगा टीचर बन जाएगा, ठीक है, तो साइन को इसमें साइन ही बोला जाता है, ठीक, साइन को साइन ही है, एक होता है कॉस, कॉस थीटा होता है, ठीक है, देखो आप कॉस थीटा का होता है तो क्या करते हैं, इसका एब्रिविएशन नाम होता है कोसाइन, क्या नाम होता है बाबू, कोसाइन नाम है इसका, कोसाइन, चलो आगे होता है कोसेक, कोसेक थीटा होता है, इसका एब्रिविएशन नाम होता है कोसेकेंड, कोसेकेंड, एक होता है सेक, तीसरा नाम होता है सेकेंड, एंड एंड लग गया था भाई, वो टेंजेंट का नाम सुना होगा, ठीक है, बताएं कभी दूसरा वीडियो में एक ही वीडियो में सब सीख जाएगा तो फिर दूसरा वीडियो क्या देखेगा, ये तो सुन लिया, चलो देखो आगे, एक होता है टेन थीटा, जिसको हम लोग बताए टेंजेंट, इसका एब्रीविएशन नाम, देखो एब्रीविएशन नाम का होता है, जैसे कि आपका नाम जो भी है, एक घर का नाम होगा, एक बगल की रख देगा नाम, और दोस्त या तो समझ ही रहे हो बहुत अच्छा अच्छा नीक नाम रखता है, इसने उसमें नाम रखा जाता है, तो उसी टाइप से इसका एब्रीविएशन नाम है। चलो आगे देखो एक चीज और बताते हैं, कॉट थीटा होता है, जिसको बोलाते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ये देखो एब्रीविएशन नाम। अब देखो आपको जो मुख्यता बता रहा है, हमको पढ़ना है इसमें इतना चीज, इस सिक्स टर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इसी टर्म पे ट्रिग्नोमेट्री चलता है, इसको बताने वाले कौन है बाबू, आर्यभट्ट जी, मैथमेटिशियन कौन है, आर्यभट्ट जी, जीरो का जो खोज किए आज, जीरो से हीरो बना दिया आदमी को, अब अपने तो बनिए गए। चलो देखो यही सिक्स चीज होता है, यही सिक्स फंक्शन जो होता है काम करता है किस पे, ये बेस्ड है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे कैसे बेस्ड है अब उसको हम लोग जानते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए, ठीक है, आप ले लिए होंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से, इसलिए ले लीजिए आराम से। चलिए अब देखो ये तो सिक्स मेन फंक्शंस है, लेकिन इसमें पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि देखो कोई भी चीज है अगर उसमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है, होता क्या क्या है, तब हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि हाँ क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर मान लो कि तुमको जाना है मामा घर, और मामा के नाम याद है, गांव पता नहीं है, जिला पता ही नहीं है, और राज पता ही नहीं, तो तुम कैसे जाएगा बताओ, क्या अगर टेम्पू तुम्हारा लगा है, क्यों टेम्पू जान रहा है, टेम्पू लगे जब मामा घर जाना तो हम ले चलते हैं, कैसे होता है का नहीं, तुमको जानकारी होना चाहिए,
कि मामा घर जाना है तो मामा का गांव पहुंचना होगा, तो मामा के गांव से पहले पता करना कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, उसे भी पहले पता करना होगा कि कौन सा स्टेट में है, और उससे पहले तो पता करना होगा कौन सा देश में है। तो देश में मान लो टेम्पो वाला जान रहा है, अपने देश में होगा तो चलो देखो। तो देखो क्या 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 पढ़ना है सो बताते हैं इसमें। देखो पढ़ना क्या क्या है सो इसमें बाबू पढ़ना है, मजीक एक सिलेबस बता रहे हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। टेंथ क्लास का सिलेबस से हम स्टार्ट किए हैं, जैसा वीडियो में रिस्पॉन्स मिलेगा उस तरीका से आपको हम बताएंगे, 11th 12th का भी पढ़ा दिया जाएगा। देखो क्या क्या पढ़ना है सो हमको जानकारी पहले होना चाहिए इसमें, ठीक है। पहला नंबर रेशियो फॉर्मूला, रेशियो फॉर्मूला अनुपातिक सूत्र, अनुपातिक सूत्र तो जड़ी बूटी बताएंगे लिखना आगे काम आएगा। दूसरा देखो कि वैल्यू रखना वाला पुटिंग द वैल्यू वाला सबको वैल्यू से होता है, साइन थीटा कॉस थीटा में होता है, पुटिंग द एंगल ने एंगल रखने का कोण का मान बताना, चलो कौन का मान बताना। अब आगे देखो एक और है जिसको बोला जाता है रेसिप्रोकल, क्या बोलता है रेसिप्रोकल फॉर्मूला, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। चलो देखो रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब सब कुछ समझता है क्या होता है, उसका नाम होता है पैर को अर्थ उठा दो, ठीक है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर बना देना है, करना मतलब रेशनलाइजेशन उसको बोलते हैं। तो इसका हिंदी जब क्या होता है बाबू, हिंदी थोड़ा सा हम स्लिप कर रहे हैं, हिंदी रेसिप्रोकल चलो बताते हैं थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो अब यहाँ से एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं जिसका नाम है आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में देखो क्या होता है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग प्रूफ में बड़ी काम होता है, क्या होता है काम ही प्रूफ में बहुत ज्यादा काम होता है, प्रूफ अगर करना होगा तो इसी फॉर्मूला से बनेगा प्रूफ में, आइडेंटिटी में महत्वपूर्ण एक फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो होता है और एक आगे वो टॉपिक अगर छोटा होगा तो बताते चलेंगे, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो फॉर्मूला, तब आगे बताएंगे पुटिंग द वैल्यू फॉर्मूला, इसके बाद रेसिप्रोकल फॉर्मूला होगा, इसके बाद आइडेंटिटीज होगा, ठीक है। चलो आगे देखो बताते हैं क्या बताते हैं सो, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो फॉर्मूला, क्या पढ़ाने वाले हैं रेशियो फॉर्मूला। चलो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, जो पढ़ना है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको कि क्या क्या है इसमें पढ़ना। चलो हमारे ख्याल सबको ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो फॉर्मूला, रेशियो रेशियो फॉर्मूला देखो, बड़ा मजेदार है जी, मजा आएगा। देखो इसमें और भी एडवांस पढ़ना है, इसमें जो आगे भी पढ़ना है एडवांस तरीका से पढ़ना है, इसको एडवांस तरीका से पढ़ना है। जो एडवांस में आपको पढ़ाया जाएगा कि देखे होंगे कि एक्स वाई आ जाएगा, इसमें बहुत सारा एलिमिनेशन मेथड से पढ़ना है, और भी चीज एलिमिनेशन थ्रू elimination of trigonometric formula, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर अलग एक वीडियो बना लेना, ठीक है। देखिए इसमें इसको बनाने आ जाएगा ना तो और मजा आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन सुनना है। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो फॉर्मूला। चलो देखो रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, पहला वाला था कि अनुपात होना चाहिए यानी कि रेशियो होना चाहिए, तो रेशियो जब भी बनता है बाबू तो देखो एन बाई डी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, दो आदमी रहेगा दोनों के बीच बड़ा कॉम्पिटिशन होगा रेशियो में कि तुम कितना खाता है, ये कितना खाता है, ऊपर नीचे अलग तब पता चलता है कि वो रेशियो बन रहा है, ठीक है।
तो रेशियो में देखो रेशियो हम पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं सब बताते हैं आपको। 6 फंक्शन है, 6 का क्या होता है, कुछ रेशियो होता है, ठीक है। तो रेशियो जानने के लिए पहले आप लोग, हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल में एक जानकारी देकर के चले गए थे जिनका नाम आप लोग को हम बताए थे कि बहुत अच्छा जानकारी देने वाले एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, जिनका नाम था पाइथागोरस। तो जब दिए थे तो बोले थे कि फ्रंट ऑफ द राइट एंगल, मतलब कि राइट एंगल के सामने वाला कौन होता है जी, कर्ण होता है, जिसका नाम होता है हाइपो, हाइपोटेनस। नीचे वाला को बोल गए थे कि बेस होता है, क्या होता है, बेस। और आगे बोले थे कि इसका नाम होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। चलिए शॉर्ट में इसको लिखा जाता है एच, इसको लिखा जाता है बी, और इसको लिखा जाता है पी। पी बहुत महत्वपूर्ण होता है, पी पर पढ़ाई, पी पर पिटाई, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। जब इतना बताए थे तो 6 फंक्शन का कुछ ना कुछ एक तरीका बताया था, कौन बताया था, आर्यभट्ट बताया था। आर्यभट्ट जी का कहना था कि कुछ रेशियो फॉर्मूला होता है, रेशियो फॉर्मूला में जो होता है कि 6 फंक्शन होते हैं, और 6 फंक्शन का जो होता है कुछ ना कुछ एक आइडेंटिकल, मतलब बोला जाए इंडिविजुअल, मतलब अपना फॉर्मूला होता है उसका। जैसे हम देखते हैं क्या सुनेंगे, इसको साइन थीटा, क्या होगा बाबू, साइन थीटा। देखो इस थीटा को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, एक चीज और बताएंगे कि थीटा कैसे चेंज करता है। अगर यहाँ थीटा नहीं रख करके इस थीटा को यहाँ पे रख देंगे तो सब चीज इसका सिस्टम बदल जाएगा, सिर्फ एगो छोड़ करके, ठीक ना, ये समझ में करता है कि। लेकिन जींस टी शर्ट कुछ पहना मतलब नहीं है, जो लड़का है अभी तक तो गर्ल्स लोग भी पहन लेती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, पहनने से क्या होता है, ठीक है। दूसरी प्रकार से देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी चेंजिंग हो जाएगा, ये थीटा यहाँ चेंज करेगा, सब चीज चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार से समझ ही रहा है बात को हमारा, ठीक है। तो इसी समझ में बोलना मत। चलो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू बोला था कि इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्व, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए पढ़ा दे रहे हैं ताकि इसी में परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब बाबू, लंब, क्या होता है, लंब, लंब होता है, नीचे वाला को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है पी बाई एच, ठीक है। एक आपको ट्रिक बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो देखो जल्दी जल्दी इसे समझ में आ जाएगा, साइन थीटा हो गया, अभी समझ, पहले हम ट्रिक के लिखते हैं, इसके बाद आपको जल्दी समझ में आएगा, देखो कैसे होता है सर। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, थोड़ा समझे वीडियो कट देख क्या फ्लैट नहीं, ठीक है। देखो इस जगह जो होता है वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं उनको कैसे फॉर्मूला बनता है। पी बी पी एच एच बी, देखो ऊपर से जब आओगे तो हो जाएगा साइन, नीचे से आओगे तो हो जाएगा इसका उल्टा कोसेक, ऊपर से जब आओगे तो हो जाएगा कॉस, नीचे से हो जाएगा सेक, इसमें जब आओगे तो हो जाएगा टैन, और नीचे से हो जाएगा क्या चीज, कॉट। याद लगभग कैसे करोगे, पापा की बेटी परी, ठीक है, और हीरो है बेटा, पापा की बेटी परी, हीरो है बेटा, याद हो जाएगा ना, पापा की बेटी परी, अभी परी बन रहती है और बेटा लोग तो हीरो है, ठीक। तो उसी तरीके से देखो ऊपर से जब आओगे तो साइन का फॉर्मूला होगा पी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई एच, टैन का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई एच, पी बाई बी एच, नीचे से आओगे तो सेक का तो हो जाएगा बाबू फॉर्मूला एच बाई पी, सेक का जब करोगे तो हो जाएगा एच बाई बी, कॉट का जब करोगे तो बी बाई पी। देखो जस्ट उसका उल्टा होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक ना। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे भी समझ में आ गया। अब देखो अगर किसी बच्चा को हिंदी में समझना होगा तो हिंदी का ट्रिक देखो,
देखो क्या होता है, लाल बट्टा कक्का है, नाम सुने हो? चलो इसे समझो, इसे मत समझो। ल आ का ला हो गया, यहाँ पे ल हो गया ना लाल, नीचे हो गया क क आ का, ठीक है। देखो ऊपर से जाओ ये हो जाएगा साइन, नीचे से आओगे तो हो जाएगा कॉसे, ऊपर से जाओगे तो हो जाएगा कॉस, नीचे से हो जाएगा से, इधर जाओगे तो हो जाएगा टेन, इधर जाओगे तो हो जाएगा कॉट। देखो साइन लम बटा कर, कॉस आधार बटा कर, टेन लम बटा आधार, कोसे कर्ण बटा लम, से कर्ण बटा आधार, कॉट आधार बटा लम। हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया, ठीक है। किसी का मजबूत होगा हिंदी तो इंग्लिश पढ़ लेना, इंग्लिश मजबूत होगा तो हिंदी पढ़ लेना। चलो आगे देखते हैं हम लोग, अब इसके लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से याद रखो, बहुत जल्दी जल्दी याद करना है, ठीक है। पापा की बेटी परी, हीरो है बेटा, ठीक है। कभी कभी हीरो ना होकर दूसरा हो जाता, हरामी है बेटा, सुना ना लेकिन ज्यादा सब लड़का को बोल दिया जाता है बेटा को बेटी को ना, ये बेटी का परिये रखना बाबू। चलो देखो पहला फॉर्मूला था, अब हम लोग देखो कुछ दूसरा भी फॉर्मूला जान लेते हैं। अब इससे कुछ हम लोग एग्जाम्पल पहले समझते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल में कैसे समझते हैं, मान लीजिए कि एक ट्रेंगल है, लेट ए बी सी इज ए ट्रेंगल, ए बी सी 90 डिग्री है बी, देखो थीटा यहाँ पे ले लिए हैं, ये मान लो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और भी आगे तरीके से बताएंगे और भी कि अगर एक साइड इलिमिनेट्स रहे हो तो आगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है,